नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉम्पिटिटिव क्लास पर। प्यार दोस्तों, मिक्सचर की सीरीज से मैंने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट भी क्यों ना हो, एसएससी सीजीएल 2016 के मेंस में आया है। दोस्तों आपसे गुजारिश है, प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बस आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए यार। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को करने का जो बेस्ट मेथड है, बेस्ट अप्रोच है, वो मैं आपको बताऊंगा। इस तरीके के और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो मैं मेथड इस क्वेश्चन में लगाऊंगा, बाकी हर एक क्वेश्चन में वही आप मेथड लगाना और पक्का निकल कर आएगा आंसर, अगर इसी फॉर्मेट का कोई क्वेश्चन है तो। क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन थ्री वेसल आर 2:3 एंड 3:4 एंड 7:5। इफ 10 लीटर ऑफ द फर्स्ट वेसल एंड 21 लीटर ऑफ द सेकेंड वेसल मिक्स विद X liter of the third vessel, in the resultant mixture the ratio of milk and water is 1:1, then find the quantity of X। मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, मेरे पास तीन बर्तन हैं और उन बर्तनों के अंदर दूध और पानी का अनुपात 2:3, 3:4 और 7:5 है। कहता है पहले वाले के 10 लीटर को दूसरे वाले के 21 लीटर के साथ और तीसरे वाले के X लीटर के साथ मिक्स किया जाता है और इस प्रकार जो एक नया बर्तन बनता है उस बर्तन के अंदर दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। मुझे बताना है कि मैंने तीसरे वाले लीटर से जो ये एक्स लीटर निकाला है उसकी वैल्यू कितनी है। मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। आप इसको एक तो उस मेथड से कर सकते हैं जो हम बेसिक करते हैं भाई, छठी सातवीं में करते थे, कि तीनों बर्तन से दूध निकाल लो, तीनों बर्तन से पानी निकाल लो और उनका अनुपात निकाल लो, वही रेशियो 1:1 के बराबर होगा और अब वहां से आंसर निकालेंगे, काफी टाइम लग जाएगा। एक एलसीएम मेथड है, मैंने मिक्सचर के ऊपर 2-3 पार्ट गिरे हुए हैं, आप वहां से एलसीएम मेथड सीख सकते हैं कि एलसीएम मेथड होता क्या है, और आप इस क्वेश्चन को एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं, पर वो मेथड भी टाइम ले जाएगा जबकि इस क्वेश्चन की इतनी बड़ी औकात नहीं है। मैं इसको करने की आपके सामने बेस्ट अप्रोच देता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम कैसे बिल्कुल सेकेंडों में हल कर सकते हैं, 30 सेकंड से फालतू नहीं। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि 5 सेकंड में हो जाएगा, 10 सेकंड में हो जाएगा, पर 30 सेकंड से फालतू बिल्कुल नहीं लेगा। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है पहले वाले बर्तन के अंदर दूध और पानी का जो रेशो है वो दे रखा है 2:3, दूसरे वाले बर्तन के अंदर दूध और पानी का जो रेशो है वो दे रखा है 3:4, तीसरे वाले बर्तन के अंदर जो दूध और पानी का रेशो है वो दे रखा है आपको 7:5। मैं क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक तरीके से बता रहा हूँ क्या फॉर्मेट है। अच्छा ये बर्तन नहीं चमक रहा भाई, कोई बात नहीं, लो इधर बना लेते हैं। पहले वाले बर्तन के अंदर दूध और पानी का जो रेशो है वो है 2:3, दूसरे वाले बर्तन के अंदर दूध और पानी का जो रेशो है वो है 3:4, और तीसरे वाले बर्तन के अंदर जो दूध और पानी का रेशो है वो है 7:5। पहले वाले के 10 लीटर को दूसरे वाले के 21 लीटर के और तीसरे वाले के 1 लीटर के साथ मिलाकर एक नया बर्तन बनाया गया और इस बर्तन में मुझे दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 1:1, और मुझे इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आप देखो कैसे करेंगे। आप पहले लिखिए कि पहले वाले बर्तन के अंदर दूध और पानी का जो रेशो है वो क्या दे रखा है। आपने कहा अभी 2:3 है, इसका सम बताइए 5 आएगा। दूसरे वाले के अंदर 3:4 है, इसका सम बताइए 7 आएगा। तीसरे वाले के अंदर 7:5 है, इसका सम बताइए 12 आएगा। देखो कैसे करना होता है भाई। मैंने यहाँ पे दूध लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने पानी। कह रहा है पहले वाले का मैंने 10 लीटर मिलाया है, दूसरे वाले का 21। इस तीसरे वाले की वैल्यू निकालनी है कि मैंने कितना मिलाया, यानी कि उस एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे जो ये नया बर्तन बना है, इस बर्तन के अंदर दूध और पानी का जो अनुपात है, जो रेशो है, वो 1:1 है। अगर मैं पूछूं भाई पहले वाले बर्तन के अंदर दूध है 2, दूसरे में 3 है, तीसरे में 7 है, पहले में पानी 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, अगर मैं इनको एक बार ऐड करना चाहूँ, दूध को दूध में, पानी को पानी में, तो आप देखेंगे 2 और 3 5 और 7 12, 3 और 4 7 और 5 12। आप देखेंगे इनका जो रेशो है ना वो 1:1 है, क्योंकि 12 से 12 कट जाएगा। और देखो जो मुझे बर्तन दे रखा है ना उसके अंदर भी 1:1 है। जब भी बेटा इस फॉर्मेट का सवाल बने ना कि आपके जो एक नया बर्तन बना है उसके सेम क्वांटिटी का रेशो वही आ जाए जो इनका रेशो आ रहा है जोड़ने के बाद, तो ऐसे सवालों में देखो क्या करते हैं भाई। यहाँ पर आया था इनका सम 5 और आपने मिलाया है 10, यानी कि 2 गुना है। यहाँ पर सम आया है 7 और आपने मिलाया है 21, यानी कि 3 गुना है।
और मुझे इसका निकालना है कि इसका कितना गुना है। तो जो ये दो और तीन आए ना, आप इनका औसत निकालिए। दो और तीन का औसत कितना आएगा भाई? 5/2, यानी कि 2.5 आएगा। तो ये पक्का 2.5 गुना होगा। अगर मैं 12 का 2.5 गुना कर दूं, यानी कि 30 लीटर होगा। तो मुझे पता लग गया भाई, तीसरे वाले बर्तन से मुझे 30 लीटर मिलाना पड़ेगा। देखो 30 लीटर आ नहीं आ रहा है दोस्तों। यही बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। एलसीएम मेथड है। मेरे आप पार्ट देख सकते हैं, मैंने मिक्सचर के गिरे हुए हैं, काफ़ी मज़ेदार पार्ट है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे नहीं लगता कि इससे जल्दी हो जाए। ध्यान रहे, इनका औसत ही लेना पड़ेगा। इनका औसत लेंगे तभी क्वेश्चन हो पाएगा भाई, अदरवाइज हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। 2 और 3 का औसत कितना आएगा भाई? 5/2 आएगा। ओके दोस्तों, बाकी मेथड आप अपने आप लगाइए। बेस्ट मेथड है, इसलिए मैंने आपको एक बताया। एलसीएम मेथड से भी हो जाएगा, बेसिक से भी हो जाएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ मेहनत करते रहिए और मुझे बताइए कि किस तरीके से मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूँ कुछ सवालों को। कोई बुक है, कोई कैसे भी प्रॉब्लम है, मैं सोल्व करने के लिए तैयार हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7840842419। आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।